नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आचार्य चाणक्यों को उनकी योग्यता के चलते बुद्धिजीवियों में सबसे पहले याद किया जाता है। माना जाता है कि चाणक्यों को जीवन से जुड़े सभी विषयों का सर्वोत्तम ज्ञान था, इसलिए वह जिसके भी साथ रहे वह निरंतर जीत की ओर बढ़ता चला गया। चाणक्य नीति में धन बढ़ाने के लिए कुछ जगहों पर खर्च बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसी बातें जहाँ खर्च से ना सिर्फ आपकी कमाई बल्कि संपन्नता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पहला, मंदिर या धर्म स्थल पर दान करिए। चाणक्य के मुताबिक मंदिर में पैसा देने से पहले बिल्कुल सोच विचार नहीं करना चाहिए। मंदिर में पैसा देने से ईश्वरीय कृपा होती है, जिससे धन देने वाले व्यक्ति का धन और बढ़ता है। धार्मिक कार्यों के लिए समय समय पर धन देने से कभी दरिद्रता नहीं आती। भले इस वक्त आप लोग ये सोच रहे हो कि मंदिर में दिया हुआ पैसा हमेशा पुजारियों की जेब में जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि भगवान आपको हमेशा देखता रहता है, क्योंकि भगवान आपके पास मौजूद होते हैं। कुष्ठ रोगियों की मदद। चाणक्य नीति अनुसार जो व्यक्ति कुष्ठ रोगियों की मदद करता है वह कभी निर्धन नहीं होता है, उल्टे उसका धन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। कुष्ठ रोगियों को बहुत अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है, ऐसे में उनके आर्थिक मदद से उनका मन प्रसन्न होता है, जिससे धन देने वाले व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। जरूरतमंद को शिक्षित बनाएं। आप समर्थ है तो किसी व्यक्ति को शिक्षित करने में आर्थिक मदद करनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। किसी को शिक्षित करने से कमाए गए अंश लगाते हैं तो लक्ष्मी की कृपा से जन्म जन्मांतर तक धन पाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि हमारे आसपास कितने गरीब लोग और या फिर कितने भिक्षुक, कितने भिखारी लोग होते हैं। अगर हम उनको पैसे ना देकर उन्हें अगर शिक्षा प्रदान करें तो इससे आप लोगों को ही लाभ होगा। भगवान माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में मदद। अस्पताल, कुएं, धर्मशाला और स्कूल बनवाने में आर्थिक संयोग से आपका धन शुद्ध होता है। ऐसे लोगों के पास कभी धन कम नहीं पड़ता है। अस्पताल, नल, कुएं, धर्मशाला, स्कूल बनवाने से सालों साल तक लोग इनसे लाभ पाते हैं। ऐसे लोगों की दुआएं हमेशा मददगार व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी है कमेंट कर ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।